वन विभाग की संयुक्त टीम ने मोटरसाइकिल और हथियारों के साथ अन्य विभागों से आए वनों की अवैध रूप से कटाई करते वन माफियाओं को धर दबोचा है। जंगलों को अवैध तरीके से कटाई करवाने वाले गिरोह को वन विभाग मुंदी और खंडवा की टीम ने घेराबंदी कर इंजलवाड़ा वन कक्ष क्रमांक 58 में घेराबंदी कर वन काट कर जमीन पर अतिक्रमण करने वाले 14 लोगों को मोटरसाइकिल वाहन और हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके बाद वन क्षेत्र मुंदी के ऑफिस लाया गया। साथ ही इन आरोपियों से पूछताछ भी की गई, जिसमें उन्होंने कबूल किया कि उनको कालमुखी का एक आदमी इन जंगलों में लेकर आया और रुपये लेकर यहाँ पर बसने को कहा। वहीं वन विभाग की टीम के द्वारा आगे भी कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों को खंडवा न्यायालय पेश किया गया। मुंदी से शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। ये 17 दिसंबर 2022 की मध्य रात्रि में हमारे संभागीय प्रबंधक श्री चरण सिंह साहब को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ अतिक्रमणकारी जंगल में घुसे हैं और जंगल के छोटे बड़े पेड़ों को काटकर अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं। और चूंकि सारे अतिक्रमणकारी हथियार बंद हैं, इस स्थिति में रात में किसी भी प्रकार की मुहिम जंगल में ना छेड़ी जाए, तो हमें जो उन्होंने निर्देशित किया था कि समस्त दल में शासकीय वाहन आप जंगल में पहुँचे और इनकी तगड़ी घेराबंदी करके सुबह सारी मुहिम को आप विफल करने का प्रयास करें। तो सर, ये किस क्षेत्र में कर रहे थे अतिक्रमण? ग्राम इंजलवाड़ा है, यहाँ मुंदी के पास में, उससे लगा हुआ हमारा आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 57 है। वहाँ करीब 7 हेक्टेयर क्षेत्र में, सॉरी 58, वहाँ करीब 7 हेक्टेयर क्षेत्र में इन्होंने अंधाधुन पेड़ों की अवैध कटाई की है। इसकी जब्ती कार्रवाई हमारे द्वारा कर ली गई है और लगभग 40 से 45 की संख्या में अतिक्रमणकारी वहाँ मौके पर थे, जो हमें देखकर भागने का प्रयास कर रहे थे, पर चूंकि हमारे सारे साथी स्टाफ मुस्तैद थे, तो जिसमें से 14 लोगों की हमने गिरफ्तारी कर ली है और विवेचना जारी है। आज माननीय न्यायालय ने प्रस्तुत किया। इनके पास से क्या क्या चीजें जब्त की? इनके पास से जो गंभीर चीजें मिली, हमें 10 कुल्हाड़ियाँ जब्त की हैं, हंसियाँ हैं, गोफन मिले हैं, नान चाकू मिली है, चाकू मिली है और कुछ घोंसले मिले हैं। और सर, इन लोगों के ऊपर क्या प्रकरण दर्ज किया गया वन अधिनियम के अंतर्गत? इनके ऊपर बायोडायवर्सिटी जैव विविधता संरक्षण की धारा 2 के अंतर्गत हमने प्रकरण दर्ज किया है और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 के तहत हमने धाराएं लगाई है और आरक्षित भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 के अंतर्गत भी हमने प्रकरण दर्ज किया है और वन उपज व्यापार विनिमय 1969 की धारा 5, 15, 16 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। आपका सर शुभ नाम? मैं प्रफुल्ल मेश्राम, परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी खंडवा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।